मार्केट ऊपर खुला है, अगर प्राइस रेंज हम यहाँ पे ले लेते हैं तो कल की क्लोजिंग हम देखें, फ्राइडे की क्लोजिंग तो ये है और यहाँ पे मार्क करते हैं तो 950, लगभग वो 950 ऊपर की तरफ मार्केट खुला है। और यहाँ से अभी बाइंग साइड का कोई प्लान करना थोड़ा रिस्की मुझे लग रहा है। अभी तक हमने कोई यहाँ पे ट्रेड प्लान किया नहीं है, कोई भी एंट्री प्लान की नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो खुलने के बाद मार्केट क्या है, टोटल यहाँ पे रेंज में, ठीक है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। तो बहुत बड़ा मूव करेगा ऊपर की तरफ ये एक्सपेक्टेशन है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड करें, सेटअप मिलता है तो एंट्री लेंगे, अदरवाइज वेट करना ही सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। सेल साइड के लिए यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, कंडीशन क्या है कि इसे निकाल देता है ना, इसको निकाल देता है, इसके नीचे ट्रेड कर जाता है तो फिर यहाँ पे एक एंट्री हम ले सकते हैं सेल साइड के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की ट्रेड होगा, अगर यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो ये टारगेट ले आ सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो 100 पॉइंट जितना मोमेंटम डाउन साइड में मुझे दिख रहा है, तो इसे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट पे अगर हम देख लेते हैं तो डबल टॉप एम पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया है, ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। इसके नीचे भी अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लेते हो तो इसे भी ब्रेक डाउन किया, टेस्ट किया, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो डाउन साइड ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है तो एक डाउन साइड की मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ दिख रहा है सेल साइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल साइड के लिए दिख रहा है, मिल सकता है यहाँ पे। ओके, ठीक ठाक ब्रेक डाउन मिला है यहाँ पे, काफ़ी टाइम मार्केट अगर आप देखो कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है, 1 2 3, ठीक है, 3 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ब्रेक डाउन किया है, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक नीचे की तरफ ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा है, दिस मार्केट को मैं बाइंग साइड के लिए तो यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से हो सकता है 200-400 पॉइंट ऊपर जाए, बट बाइंग साइड के लिए मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा, राइट। ये जो ट्रेड लाइन आप देख रहे हो ना, इसके नियर बाय आता है तो यहाँ पे कुछ सेलिंग साइड का अगर सेटअप मिलता है तो सेल करूँगा, अदरवाइज 52100 लेवल के लिए, ठीक है, ये जो लेवल निकल के आ रहा 52100, इसे अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पे कुछ एंट्री मिल सकती है नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे भी एक रिस्क हम ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ये रिस्की ट्रेड होगा, ये लेवल को मार्क कर लेते हैं। ओके, इसे ब्रेक करता है तो ईजिली ये लेवल के लिए आ सकता है, 52100 के लिए, तो यहाँ पे भी एक एंट्री मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 52100 का वेट ना करते हुए यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की ट्रेड है, देखिए टारगेट बड़ा है नहीं, लेकिन 52100 को तोड़ता है तो एक बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है नीचे की तरफ। दोस्तों 12:30 पे लगभग लगभग टाइम हो रहा था, वहाँ पे हमने एनालिसिस किया था कि मैं मार्केट को नीचे के तरफ ही देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाता भी है तो कोई यहाँ पे ट्रेड में प्लान नहीं करूँगा, राइट। और जो भी हमने एनालिसिस की थी, लर्निंग ग्रुप को भी एक वीडियो शेयर कर दी गई थी दोस्तों उस टाइम पे, ठीक है। अभी टाइम की बात करूँ तो 3:04 हो रहे हैं, 3:05 होने वाले हैं। जो सेटअप था, जो एनालिसिस थी, उसके हिसाब से ही ट्रेड लिया हुआ है, 375 क्वान्टिटी है, 280 पे ट्रेड किया है और अभी जो चल रहा है दोस्तों 360-65 चल रहा है, ठीक है, 390-95 जाके आया है, बट वहाँ पे हमने बुक किया नहीं, 400 का मेरा टारगेट है कि 400 के आसपास आता है तो प्रॉफिट में बुक करूँगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में, ठीक है। कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती हुई आई और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आप देखो तो रेड कैंडल 2 बना चुका है। और देखिए जो भी एनालिसिस थी ना मार्केट ओपन होने से पहले, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि मार्केट गैप अप खुलता है, एक ट्रेड लाइन को भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर मार्केट खुल जाता है तो क्या सेटअप हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो कहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 52000 का लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा था, इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, ठीक है, बट मार्केट ने आज किया क्या है कि 52000 का जो लेवल है उसे ब्रेकआउट करते हुए हमें ओपनिंग मिली है, तो वहाँ पे अभी ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाने वाला है या बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ आने वाला है। अब यहाँ पे हमें पुट साइड के लिए जाना था, तो बहुत सिंपल सा प्लान था कि पुट साइड के लिए हमें सेटअप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चैनल बनाया,
ट्रेड लाइन का जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, एम पैटर्न को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। बट वहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि अगेन अगर मार्केट ट्रेड लाइन के नियर बाई आ जाता है तो वहाँ पे एक एंट्री मैं ले लूँगा। बट आप देखो तो उसके पास मार्केट आया नहीं, उससे पहले मार्केट नीचे आने लगा 52,170 के आसपास। आप देखोगे ना 52,170 के आसपास, तो मल्टीपल टाइम मार्केट के लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा था। कंफर्म था वहाँ पे कि अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री लेंगे और यहाँ से मार्केट 52,100 के लिए इजीली जा सकता है। अगर मोमेंटम है तो होल्ड करेंगे, उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे रेडी रहना होगा दोस्तों एग्जिट करने के लिए, अदरवाइज जो प्रॉफिट है वो भी मार्केट हमसे ले सकता है। 280 पे हुआ है, 360, देखिए 100 पॉइंट तो हमें मिल चुके थे, ठीक है, 90-95 तक मार्केट गया था। बट कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा है, ऊपर भी जा सकता है, तो ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। यहाँ पे नीचे की तरफ ही जा रहा है तो निकलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, निकाल देते हैं 362-63, चलिए निकाल देते हैं, ठीक है, 362-30 पे निकले हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं मार्केट को सेल करूँगा। ऐसा क्या सेटअप था यहाँ पे जो सेल साइड के लिए मैं देख रहा था, दो तीन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको भी पता चले कि यस यहाँ पे सेल साइड का ही सेटअप दिख रहा था, बाइंग साइड का कोई सेटअप था नहीं दोस्तों, ठीक है। पहली बात तो हमने डिस्कस किया था सुबह में कि एक ट्रेड लाइन हमने यहाँ पे लिया था, इसके बीच में अगर खुलता है तो ये लेवल के लिए आता है तो यहाँ पे कुछ हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नीचे अगर आता है तो यहाँ से कुछ एंट्री हम प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हमें ध्यान देना था कि 51,700-51,800 अगर खुल जा रहा है तो 52,000 के लिए हम वेट करेंगे। अभी यहाँ पर ओपनिंग जो हमें मिली है, आप देखो तो 52,000 के ऊपर ही ओपनिंग मिली है। कितने पॉइंट का गैप अप खुला था, प्राइस रेंज ले लेते हैं यहाँ पर, अभी देख लेते हैं कितना, लगभग 950 के आसपास ऊपर की तरफ हम खुले थे। अभी इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि मार्केट और भी यहाँ से ऊपर जाएगा, जबकि हमें दिख रहा है अगर मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊँ तो किस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे अगर आप एक सिंपल सी ट्रेड लाइन भी ले लेते हो फिर अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ट्रेड लाइन को ही फॉलो करते हुए मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो भी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ये जो है 50,500 का लेवल निकल के आता है। ओके, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर है, ये जो है ना एक सेलिंग जोन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, एक दिन वेट करेंगे, उससे हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि मैं बाइंग साइड के लिए नहीं जाऊँगा जो यहाँ पर सेटअप बनते हुए दिख रहा था। अभी आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, मुझे जाना था सेल साइड के लिए तो वहाँ पर भी मुझे कुछ सेटअप चाहिए, ठीक है, तो सेटअप का हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और जो सेटअप बन रहा था उसको दोस्तों लर्निंग ग्रुप के लिए भी अपडेट किया गया था, जो सेटअप हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसको लर्निंग ग्रुप के लिए भी अपडेट कर दिया गया था। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक चैनल यहाँ पे बन रहा है, एक चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक ट्रेड लाइन ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, एम पैटर्न का डिस्कस हमने ऑलरेडी किया था लाइव मार्केट में कि यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर वेट कर रहा था कि इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है ना, ये ट्रेड लाइन को टेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लूँगा। बट मुझे यहाँ पे एंट्री मिली नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था। तो सेकेंड हमारे पास ऑप्शन क्या था कि मार्केट को मैं 51,000 के लिए वेट करूँ, ठीक है, इसके ब्रेक डाउन का वेट करूँ, सॉरी 51,100 के लेवल का मैं वेट करूँ, इसके इसे अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, या फिर एक छोटा सा हम रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। रिस्क क्या था कि दिस ये जो लेवल है ना, ये जो जोन है ना, आप देखो तो ये जोन को मल्टीपल टाइम टेस्ट यहाँ पे कर चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो अगर इसको अगर ब्रेक करता है ना तो इजीली ये लेवल के लिए आ सकता है, और इसे अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इसके हिसाब से हमने जो है ना इसके ब्रेक डाउन पर प्लान किया, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इससे अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मुझे एक अच्छा यहाँ पे मूव मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी सेलिंग जोन में ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से अगर निकलता है तो फिर एक मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है। उसके हिसाब से हमने क्या किया ना, यहाँ पे एंट्री ली और इसके आसपास में मैं निकल गया था, ठीक है, अगर यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया होता तो 400 का लेवल भी हमें मिल गया होता दोस्तों, 400 की प्राइस भी हमें मिल गई होती, बट थोड़ा पहले हमने निकाल दिया क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था ना,
एक बेस बना रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे डर था कि ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर जो प्रॉफिट है वो भी हमारा यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। सो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो ओवरऑल जो व्यू था सेल साइड का था, और हमने क्या किया सेल साइड के लिए यहाँ पे सेटअप फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके कन्फर्मेशन का वेट किया, और फिर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने यहाँ पे कैच करके एग्जिट कर दिया। ओके, तो इसमें लर्निंग क्या है कि हमें दोनों साइड नहीं खेलना है, ऊपर की तरफ भी मैं खेलना चाहूँ और नीचे की तरफ भी मैं खेलना चाहूँ तो फिर दोनों तरफ हम क्या होते हैं ना, फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्केट को मैं कहाँ पर देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ या मार्केट को मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। अब अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो इसके हिसाब से मुझे सेटअप चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे सेटअप चाहिए। अगर वो सेटअप मिलता है तो एंट्री लेंगे, नहीं मिलता है तो नो ट्रेड। आज कोई ट्रेड नहीं, कल फिर ट्रेड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।